नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में, वजन बढ़ना, एक्स्ट्रा चर्बी हो जाना, जिसके चलते आज बहुत सारे अनगिनत लोग परेशान हैं। आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं, मैंने दोस्तों बहुत सारे YouTube चैनल YouTube वीडियो के द्वारा बहुत सारा मैंने वीडियो देखा ओबेसिटी के ऊपर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी भी मैंने लिया और सारे वीडियो मैंने लमसम सारे वीडियो देखे। उन सारे वीडियोस में मैंने बस एक ही कंक्लूजन देखा कि आपको प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स राइट, लेकिन आपको डाइट चार्ट मेंटेन रखना है, अपना डाइट चार्ट फॉलो करना है, इसके अलावा डेली आपको एक्सरसाइज करना है। दोस्तों, ओबेसिटी नॉर्मली है क्या? ओबेसिटी एक्चुअली आपका जो डेली लाइफ का दिनचर्या, जो भी आपका ख़राब दिनचर्या है, सही समय पर आप जगते नहीं हैं, सही से आप खाना नहीं खाते हैं, इसके अलावा जंक फूड्स इत्यादि ये सब खाते रहते हैं, ये ही सारा आपका ओबेसिटी है और कुछ है नहीं। एक्स्ट्रा चर्बी हो गया है, फैट बढ़ गया है, ये सारी चीज़ें, मोटापा जो है, वजन बढ़ना है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो रहा है, जिसके चलते बहुत सारे बीमारियां का ये एक तरह से न्योता देना भी कह सकते हैं इसको, है ना। शुगर हुआ, कैंसर हुआ, वजन बढ़ जाने से तो आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं हमारे समाज में, बहुत सारा मूवीज़ भी इसके ऊपर बन चुका है, मोटापे के ऊपर बहुत सारे जोक्स भी आते रहते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि हमारी इंडिया की है और ये हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, उसके बाद मैं ओबेसिटी के बारे में बताऊँगा। तो AWPL जो है, पहले 2021 से पहले 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाती थी, अब जो है 2021 में 6 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बना रही है ना। तो इसमें हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और इन हर्बल प्रोडक्ट्स में ओबेसिटी के लिए ओवियोडॉक रस है। ओवियोडॉक रस जो है, ये हमारे बॉडी वेट को कम करने, एक्स्ट्रा चर्बी को घटाने के लिए काफ़ी कारगर प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा इसके प्रोडक्ट्स मैनुअल जो कि मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स मैनुअल में दिया हुआ है कि आपको आहार चार्ट इसका फॉलो ज़रूर करना है। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी जानकारी दिया गया है, मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं ओवियोडॉक रस के बारे में, जिसमें जो कि आप जाके उसके इंग्रेडिएंट्स इत्यादि के बारे में जानकारी ले सकते हो। इसमें इंग्रेडिएंट्स यदि हम बताना चाहें इसमें, तो एलोवेरा रस है, गूगल एक्सट्रैक्ट है, गार्लिक एक्सट्रैक्ट है, कुकुम एक्सट्रैक्ट है और ग्रीन टी है। ये इंग्रेडिएंट्स मिलाकर ओवियोडॉक रस बनाया गया, जो कि काफ़ी कारगर प्रोडक्ट्स हैं। ये एक रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स कह सकते हैं इसको। मैं अपने 2-3 दोस्तों को इस्तेमाल करवा चुका हूँ इस प्रोडक्ट को और अच्छा खासा रिजल्ट भी आ चुका है ना, नो डाउट इसमें। तो इसमें दिया हुआ है कि आपको आहार चार्ट फॉलो करना है। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपनी तरफ से अपने दोस्तों को ये ज़रूर बताया हूँ कि आहार चार्ट तो फॉलो करो, इसके बाद आप अपना पहले डेली का जो रूटीन है उसको ज़रूर चेंज करो। एक्सरसाइज करो डेली, सुबह जगो, थोड़ा रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, कार्डियो करो, ये सारी एक्सरसाइज वगैरह करो, ताकि मोटापा ही नहीं, बहुत सारा जो प्रॉब्लम है हमें, बहुत सारे रोग जो होने वाले हैं या हमारी इम्यूनिटी जो घट रही है दिन प्रतिदिन अनियमित दिनचर्या के चलते, वो इम्यूनिटी भी बरकरार हो सके। तो इन्हीं इसी ओबेसिटी रस के बारे में आज मैं इस सेशन में चर्चा करने वाला करेंगे। इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस्तेमाल हुआ या इसके इस्तेमाल करते समय क्या क्या हमें परहेज करने हैं, इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मैनुअल में दिया हुआ है कि हमें इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसमें बताया गया है कि सुबह खाली पेट 60 से लेकर 70 ml तक गर्म पानी, गुनगुना जो पानी है उसमें ओबेसिटी रस को लेना है। इसके अलावा इसमें बताया गया कि चाय, कॉफ़ी, दूध, फलों का रस, कम चीनी और दूध के साथ सुबह 1 कप लें। रस घर में बना लिया तो चीनी का मिश्रण मत करो, है ना। ये सारा इस प्रोडक्ट मैनुअल में लिखा हुआ है। सुबह नाश्ता में, आहार में आपको मक्खन के बिना ब्रेड के 2 स्लाइस खाने हैं। आप तो जब इस प्रोडक्ट को लीजिएगा तो आपको ये डाइट चार्ट मिलेगा, आप उसको डाइट चार्ट को आप फॉलो कीजिएगा, है ना दोस्तों। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि बोतल जो है, ये प्रोडक्ट एक बोतल में है, उस बोतल को जब आप खोल रहे हैं तो उसको 1 मंथ में यूज कर जाना है, है ना। 1 मंथ में से ज़रूर ले लें। और डेली बताया गया इसमें 25 से 30 ml दिन में 2 बार इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। 3 महीने तक आप यूज कीजिए, इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा परहेज के बारे में बताया गया है कि मांस हुआ, अंडा हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, डिब्बा बंद रस हुआ, आलू के चिप्स हुए, ये सारी चीज़ें इसमें बंद करने के लिए परहेज की गई है कि आपको इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा कम इस्तेमाल करना है।
इसके बाद इसमें बताया गया है कि यदि आप शराब ड्रिंक्स के आदि हैं तो आपको इसको नहीं यूज कीजिए तो अच्छा है, ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, इट्स हार्मफुल। और इसके बाद इसमें बताया गया कि तले भुने पदार्थ जो है उनको आपको नहीं खाना है। और मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ कि आपको अपना सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डाइट सही रखना है और अपना डेली का जो दिनचर्या है वो आपको सही रखना है दोस्तों। यदि हमारा डेली का दिनचर्या अगर सही हो गया, हमारा डेली सुबह हम जगते हैं और एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हमारा दिनचर्या बनता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दिन प्रतिदिन आप में बदलाव आता रहेगा, जो आपका एक्स्ट्रा चर्बी है वो कम होने लगेगा, वेट आपका कम होने लगेगा। ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए। तो ये था AWPL का ओबियोडॉक रस। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।